हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल छाया डी। आज मैं बनाने जा रही हूँ अरहर की दाल। गांव जैसी अरहर की दाल में एक अलग सा सौंधा सा स्वाद होता है जो जल्दी में देखने को नहीं मिलता है। आज मैं उसी तरीके से दाल बनाऊंगी जो आपको बहुत पसंद आएगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैंने ये अरहर की दाल को अच्छे से वॉश करूँगी। नाउ फ्रेंड्स, मैंने दाल को अच्छे से वॉश कर लिया है। मैं गैस में कुकर चढ़ाऊंगी और उस कुकर में इस दाल को डालूंगी। नाउ फ्रेंड्स, मैं इसमें एक ग्लास वाटर ऐड करूंगी। नाउ फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं इसमें वन पिंच हींग डालूंगी, हाफ टी स्पून हल्दी, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर और वन टी स्पून से थोड़ा कम सॉल्ट ऐड करूंगी। सॉल्ट को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या बढ़ा भी सकते हैं। अच्छी तरह से सबको डिजोल्व करके मैं कुकर की लिड लगा देती हूँ और आफ्टर टू विसल्स मैं गैस को ऑफ कर दूंगी। पहली सीटी आ चुकी है, सेकंड सीटी आ गई है। फ्रेंड्स, अब मैं गैस को बंद कर दूंगी। सो फ्रेंड्स, देखिए फिर मैंने लिड निकाली और दाल कितनी अच्छी बिल्कुल जैसे गांव में बनती है ना चूल्हे पे सोंधी सोंधी महक के साथ, वैसे देखने में तैयार हुई है। उसका फ्लेवर भी देखिए मैं वैसे कर दूंगी अभी। अब मैं इसमें लगाती हूँ तड़का, मतलब छौंक। सो नाउ फ्रेंड्स, मैंने एक चमचे में वन टीस्पून कड़वा तेल मतलब कि मस्टर्ड ऑयल डाला है। इसमें मैं सबसे पहले डालूंगी जीरा। इसमें लोग दो लहसुन भी कट करके ऐड कर सकते हैं, बट कुछ लोग लहसुन नहीं खाते हैं, इसलिए मैं बिना लहसुन वाला दिखा रही हूँ आपको। इसमें मैं डालूंगी दो पिंच हींग। अच्छी तरह से आपस में मिक्स करके आग सलग देंगे और फिर बंद कर देंगे। हल्की सी आग से थी वही सोंधा मैं ला लेती हूँ पूरे दाल में। मैं कुछ इस तरह से सर्व करके दिखाती हूँ। सो नाउ फ्रेंड्स, ये दाल रेडी है। इसे गर्मा गर्म फूली फूली रोटियों के साथ सर्व कीजिए, बहुत ही टेस्टी लगेगी आप सभी को और हर कोई तारीफ भी करेगा। यदि आपको ये वीडियो मेरे अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।